हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेरी मिल्क आइसक्रीम की रेसिपी। सिर्फ 3 चीज़ों से हम डेरी मिल्क आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी। तो एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो डेरी मिल्क आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो आपको 1 ग्लास ले लेना है दूध और 1/4 कप आपको इसमें डाल देना है शक्कर। अब आपको दूध को पका लेना है जब तक कि दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए दूध अभी कितना ज़्यादा पतला है, आपको इसको पका के 1/3 कर देना है। तो ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, पर अभी जो दूध है वो हल्का सा पतला है क्योंकि अभी मैं इसमें डेरी मिल्क भी ऐड करूँगी और डेरी मिल्क पकने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको इसको हल्का सा पतला ही रखना है। अब आपको इसमें 5 डेरी मिल्क मिलाना है, ये 10-10 रुपये वाली डेरी मिल्क है। अब आपको इसको फिर से अच्छे से पका लेना है जब तक कि डेरी मिल्क अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए डेरी मिल्क भी अच्छे से मेल्ट हो गया, जो हमारा मिक्सचर है वो भी कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना और इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक डेरी मिल्क का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी विप क्रीम बना के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बाउल में थोड़ा सा बर्फ़ लेना है, बर्फ़ के कारण हमारी जो विप क्रीम है वो ठंडी रहेगी। अब आपको दूसरे बाउल में 1 कप डाल देना है विप क्रीम और विप क्रीम को विस्कर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से विस्क करते जाना है जब तक इसमें हार्ड पीक्स ना आने लगे। तो 15 मिनट रेगुलर विप करने के बाद जो आपकी विप क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। आप इसमें पीक्स देख सकते हैं, कितने अच्छे पीक्स आने लगे हैं, इसका मतलब आपकी विप क्रीम रेडी हो गई है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाउल को इस तरह से उल्टा करके देखिएगा तो विप क्रीम बिल्कुल भी नहीं बहेगी। विप क्रीम रेडी होने के बाद आपको इसमें मिक्सचर डाल देना है जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। थोड़े से मैं डेरी मिल्क के टुकड़े डाल रही हूँ ताकि बीच बीच में क्रंचीनेस आए। अब आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बनके रेडी हो गया है। अब आपको मिक्सचर को किसी भी कंटेनर में डालना है और कंटेनर को आपको इस तरह से टैप करते जाना है ताकि जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से प्लेन होता जाए। अब ऊपर साइड भी आपको डेरी मिल्क को इस तरह से तोड़ तोड़ के डाल देना है, उससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और बीच बीच में क्रंचीनेस भी आएगा। अब आपको कंटेनर को फिर से इस तरह से टैप करना है और फिर आपको इसको किसी भी पॉलीथीन से कवर कर देना है, इससे आपके आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमेगी। अब आपको कंटेनर का ढक्कन बंद कर देना और इसे रात भर के लिए फ्रीजर में रख देना है और फ्रीजर का टेम्परेचर आपको बिल्कुल एकदम हाई पे ही रखना है। और बस 8 से 10 घंटे के बाद हमारी जो डेरी मिल्क आइसक्रीम है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो आप भी एक बार घर पे जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिसे भी अपना नेम चॉकलेट में लिखवाना है वो प्लीज़ मुझे अपने नेम कमेंट सेक्शन में बताते रहना।